हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और मेरे नए वीडियो में आपका। और मैं अभी आ गया हूँ किशनपुर, जहाँ पर शिवलिंग निकला हुआ है, आपको पता ही होगा। और अभी हम अपर पीछे देख सकते हैं, ये भीड़ है, ये रोड से फिर कट रहे हैं अंदर में। दूर से आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप पहुँच सकते हैं। और ये बढ़ रहा है शिवलिंग, बोल बताया जा रहा है, अभी हमने पूछा भी यहाँ पर, तो शिवलिंग बढ़ रहा है बता रहे हैं, तो उसे भी देखेंगे। और आपको पूरा मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ यहाँ का भीड़ क्या है। और आज है सोमवार, अभी आए हैं दोपहर के समय में, तो आपको मैं पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ किस तरह का मेला त्रिकाल पूरा नज़ारा लगा हुआ है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और कुछ दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना भीड़ लगा है, पूरा प्रसाद की दुकान है, हर प्रकार की दुकानें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और ये है गेट, यहाँ से आप भी जा सकते हैं। तो हम इधर से ही जा रहे हैं, चलिए चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं शिवलिंग को। पर प्रकट शिवलिंग का शंभू निकला हुआ है पेड़ के नीचे में, एक किसान के खेत में, तो आपको वही दिखाने आया हूँ मैं। और 3 महीने हो चुका है और वो बढ़ रहा है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सही है कि नहीं ये देखने के लिए आए हैं, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों देख सकते हैं हम इस साइड से आए हैं और यहाँ पूरा खेत है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है और पूरा वो होते 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 पूरा देख सकते हैं वहाँ पर है भोलेनाथ महाराज। यहाँ से सूर्य देवता आ रहे हैं, आपको काला काला दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं भीड़ को, बहुत ज्यादा भीड़ है। देखते हैं कि हमें मिल पाता है कि नहीं दर्शन, और आपको कब आ पाते हैं कि नहीं। I'm going to go to the hospital.